गरीब किसान की जिंदगी। बहुत पहले की बात है, एक गांव में मल्लैया नाम का गरीब किसान रहता था। उसे एक बेटा था। मल्लैया सुबह उठते ही खेत में जाकर शाम होने तक उसी खेत में रहकर सारे काम देखता था। उसकी बीवी कांतम्मा उसके लिए खाना बनाकर खेत के पास ही ले जाती थी। मल्लैया का व्यापार के अलावा और कोई काम नहीं था। बचपन से ही मिट्टी के खेत में जिंदगी बिता रहा था। उसके बेटे की जिंदगी मिट्टी में नहीं गुजरनी चाहिए, ये सोचकर बेटे को पढ़ा रहा था। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब मल्लैया खेत के पास था, तब माधवैया नाम का आदमी आकर, मल्लैया पेट्रोल का दाम तुम्हारे लिए हुए कर्जे की सीमा लांग रहा है और तुम हो कि पैसे नहीं चुका रहे, कैसे बताओ। इस बार मिर्ची के बीज बोए, फसल भी अच्छी आ रही है, पक्का चुका दूंगा साहब। क्या चुकाओगे तुम? शर्म आनी चाहिए ये बोलने के लिए। एक दिन या दो दिन, 10 साल से देख रहा हूँ पैसे खत्म होते हैं साहब। बोलते हो पैसे लेकर जाते हो, और वैसे भी तुम्हारे बेटे को नहीं पढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारी तरह ही व्यापार कर रहा होता ना अभी तक। उसके लिए लाखों रुपये कर्ज कर लिए। मुझे आपको 2 लाख देने हैं, मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटे की पढ़ाई के बारे में कुछ भी मत बोलिए। क्यों, किसान का बेटा किसान ही रहेगा क्या? नौकरी नहीं कर सकता? आप जाइए, जिस दिन ऐसा लगा कि आपका कर्जा नहीं चुका सकता, ये देखो ये 2 एकड़ जमीन आपके नाम करके कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, जाइए। कर्जा चुकाने की अकल नहीं लेकिन घमंड बहुत है। तुम नहीं, अगर 1 साल के अंदर मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो मैं ही छीन लूंगा ये जमीन। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। मल्लैया वहीं खड़े रहकर अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच रहा था। सुबह होते ही मल्लैया का बेटा मल्लैया के पास आकर, पापा ये पढ़ाई वगैरह हमें नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ व्यापार करूँगा। क्या बोल रहे हो बेटा? अगर तुम्हारे हाथों ही व्यापार करवाना था तो तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया ही क्यों? एक जमाने में तुम्हें मिट्टी के खेत में घुमाता था। वो बात नहीं है पापा। देखो बेटा, हमारे परदादा के जमाने से हम व्यापार ही कर रहे हैं। किसी साल कोई फसल उगती है तो कोई नहीं। 1 साल बारिश अच्छी होती है, 1 साल बिल्कुल नहीं। सब कुछ अच्छा होकर फसल अच्छी उगती है तो मार्केट में दाम नहीं होता। खेती भी व्यापार की तरह हो गई है बेटा। 1-2 एकड़ जमीन वाले मुझ जैसे किसानों की जिंदगी बोझ है। तुम ये तकलीफ मत उठाओ, अच्छे से पढ़ रहे हो ना, बड़ी नौकरी ले आओ। और वैसे भी खेती मत करो ये नहीं कह रहा, तुम्हें बड़ी नौकरी लगने के बाद छुट्टियों में खेती करने आना। हमारे पास क्या है, 2 एकड़ जमीन। ठीक है पापा। जाओ, शहर कब जा रहे हो? कल ही जा रहा हूँ, परीक्षा के बाद पढ़ाई हो जाएगी, जॉब ढूंढना होगा। अच्छी बात है। ऐसे कहकर बेटे को अंदर भेजकर वो वहीं बैठकर कुछ सोच रहा था। सुबह होते ही रघु शहर जाता है। मल्लैया हमेशा की तरह खेत में आता है, मिर्ची के खेत को पानी देकर वहीं पर बैठा रहता है। उतने में उसकी पत्नी कांतम उसके लिए गर्मा गर्म खाना ले आकर वहाँ पर बैठे मल्लैया को देखकर, क्या जी, खेत में पानी छोड़कर ऐसे ही कट्टे पर बैठे हो? आ गई, कुछ नहीं, कुछ सोच कर ऐसे ही बैठ गया था। अच्छा, आप खाओ, मैं देखती हूँ। ऐसे लाया हुआ डब्बा उसे देकर वो मिर्ची के खेत में देख रही थी। मिर्ची के खेत में पत्ते खाने वाले कीड़े बहुत थे। वो देखकर कांतम चौंक कर, क्या जी, खेत में दवाई नहीं डाला, इतने सारे कीड़े हैं? परसों ही तो मारा ना, कहाँ है? ऐसे कहकर खाना रोककर आकर सारा खेत देख रहा था। बहुत सारे कीड़े थे। 1000 रुपए की दवाई लाया था, एक भी कीड़ा नहीं मरा। ऐसे कहते ही दूर से वीरैया नाम का आदमी भागते हुए दिखता है। वो देखकर कांतम्मा, वीरैया क्या हुआ, ऐसे भाग रहे हो? वो रंगैया ने कीड़े मारने वाली दवाई पी ली है। अच्छा, चलो चलो। ऐसे कहकर मल्लैया भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। मिर्ची के खेत में रंगैया नाम का आदमी बेहोश पड़ा था। मल्लैया उसे पास लेकर उल्टी करवाने के लिए ना जाने कितने नुस्खे अपनाकर बगल के अस्पताल में ले जाते हैं। जब ये सब हो रहा था, कांतम्मा सिर्फ और सिर्फ अपने पति की ओर देख रही थी। शाम को घर आकर, अच्छा मैं आता हूँ, तुम घर पर ही रहना। कहाँ? कहीं नहीं, आ रहा हूँ ना। नहीं,
मैं नहीं जाने दूंगी, घर पर रहो या फिर मुझे भी अपने साथ ले जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे जो भी हुआ है, आप अंदर आ रहे हो या मुझे भी ले जा रहे हो? मैं अंदर आता हूँ। ऐसे कहकर घर के अंदर आता है। वो पूरी रात कांता माँ बिना सोए मल्लैया को ही देख रही थी। सुबह रंगैया घर आने की खबर सुनते ही दोनों उसके घर जाते हैं। क्या है ये? क्या करूं मल्ला भाई, मेरे पास की 2 एकड़ जमीन समझौते पर लेकर 2 एकड़ जमीन में बीज बोए, मार्केट के सभी दवाई मार दिए मैंने, कीड़े नहीं मरे, एक भी कीड़ा नहीं मरा। मैं मर जाऊंगा ये सोचकर पी लिया। देखो ऐसा हूँ। वैसे भी भाई, कीड़े मारने वाली दवा है ना, वो खेत में कीड़े मकोड़े मारने के लिए नहीं है। शायद खेत में गड़बड़ हो गई तो किसान को पीने के लिए बनाई हुई है। अरे बस बस, बहुत बड़ा काम किया। बाकी लोगों का क्या जो तुम्हारे भरोसे है? पागल, अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना। इतनी तकलीफ हो रही है तो जमीन बेचकर मजदूरी कर कर जियो। लेकिन ये मरना वरना क्या है? किसान खाना देकर जिंदगियां बचाता है, खुद नहीं मरता। कितना कर्जा है तुम्हें? 5 या 10? जमीन बेचकर कर्जा चुका लो, बचे हुए पैसों से सब्जी का ठेला लगा लो, लेकिन ऐसा काम अगली बार मत करना। ऐसे बोल रहा था कि तब तलक उसका पति कोई गलत कदम ना उठा ले, ऐसे सोचने वाली कांतम्मा को थोड़ी राहत मिलती है। रंगैया को हिम्मत देकर वहाँ से घर आते हैं। घर आते ही रघु फोन करके, पापा रंगैया मामा कैसे हैं? तुम्हें कैसे पता बेटा? माँ ने बताया पापा। अभी ठीक है। पापा एक बात बतानी थी, मुझे नौकरी मिल गई। अभी कर्जा आए ना आए, परेशान मत होइएगा, हमारे कर्जे मैं चुका दूंगा। आप अब से खेती करके हिम्मत से रहिए, ध्यान रखिए। ऐसे बोल रहा था कि मल्लैया की आंखें भर आती है आंसू पोंछकर। बेटा मैं खेती के पीछे पागल हूँ। फसल उगने पर खुशियाँ मनाना, फसल ना उगने पर कीड़ों की दवाई पीना, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, खेती करना। इस बार ना सही, अगली बार फसल जरूर उगेगी, इस आशा में खेती करता हूँ। ये मिट्टी मुझे जब तलक नहीं अपनाएगी, इसके साथ ही रहूंगा। तुम अपना ध्यान रखना। ऐसे कहकर फोन रखकर आंसू पोंछकर खेत की तरफ जा रहा था। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।